कानपुर देहात में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। आयुष्मान योजना की जांच करने आई टीम ने जब पूरे मामले की जांच की तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद अस्पताल में कार्रवाई हुई, जिनमें पहले राजावत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इनोवा ग्रेस हॉस्पिटल और तीसरा ईसा हॉस्पिटल कानपुर देहात है। तीनों अस्पतालों में गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा था। अस्पताल के आईसीयू में दर्जन भर से ज्यादा आयुष्मान कार्ड के मरीज भर्ती दिखाए गए, जबकि हकीकत में किसी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के दो मरीज तो किसी में तीन मरीज पाए गए। इतना ही नहीं, कागजों में भी जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जी बिल दवाओं के बनाए गए। इसके कारण आपकी आईडी ब्लॉक कर दी गई, क्या इसके बारे में जानकारी देंगे आप? अनियमितताएं तो देखिए ऐसा होता है, थोड़ा हो सकता है उनको अनियमितताएं मिली हो, बट हम लोग अपने बिल्कुल स्वच्छ तरीके से काम कर रहे थे। जांच टीम को कुछ ऐसा लगा, हमारी उसमें गड़बड़ियां लगी, तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया और उसको ड्रॉप किया। लेकिन उसका हम लोगों ने लिखित में जवाब दे दिया, उन्होंने हमसे जवाब मांगा और हमने लिखित में जवाब दिया, तो उन्होंने फिर से हमको खोल दिया है काम करने के लिए, फिर से हमें आदेशित किया। तीन चिकित्सालय हैं, राजावत हॉस्पिटल है, नोवा ग्रेस हॉस्पिटल है और एक ईसा हॉस्पिटल है। इन तीन लोगों का स्टेट जो ऑडिट कमेटी है, उन्होंने ऑडिट की थी, जांच की थी और उसमें इन लोगों के जो इलाज में और इलाज के पैकेज ब्लॉक करने में कुछ गड़बड़ी मिली थी उनको, जिसके आधार पर इनके फिलहाल जो है इनके जो संबद्धता है उसको निलंबित कर दिया गया है। अभी इनको इलाज करने से मना कर दिया गया है और उनको ये सूचित भी कर दिया गया है कि भविष्य में जब तक सांची से जो स्टेट ऑफिस है वहाँ से अगर कोई सूचना या कोई आदेश नहीं मिलता है तब तक आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं करें। तो इन तीन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज करें।